हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की। टॉपिक है FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो दोस्तों, इसके हम मोस्टली इम्पॉर्टेंट MCQs को देखने वाले हैं, तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ऐसे तो भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोग की पूरी जो है सिलेबस की सभी टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करेंगे भाई तो वीडियोज़ बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस जो है PDF को चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो जल्द ही आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे। ऊपर ये है कि जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतना जल्दी आप लोगों को PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी FDMA किन उपयोगकर्ताओं को किन सा चैनल प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए चार ऑप्शन है। नंबर एक है इंडिविजुअल, ठीक है। नंबर दो है मैनी इंडिविजुअल। नंबर तीन पर है इंडिविजुअल मैनी, और नंबर चार पर है आपका मैनी। तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है इंडिविजुअल, ठीक है। यानी फर्स्ट आपका सही है, यानी कि अगर टोटल बात करें तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी FDM में इंडिविजुअल उपयोग करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको बता दें कि दोस्तों आप एक काम कीजिए, आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और सभी का जो है आंसर अपने मन से लिखते चलिएगा। आपका कितना स्कोर आया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप ऐसा बताते हैं तो भाई वीडियोस और बनाने का मन करता है कि हाँ स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते तो भाई वीडियोज़ बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ ये सब काम करें, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर है आपका कि कॉल की अवधि के दौरान अन्य उपयोगकर्ता उसी चैनल को FDMA में साझा कर सकते यानी कॉल की अवधि के दौरान, ठीक है। कॉल के दौरान अन्य उपयोगकर्ता उसी चैनल को FDMA में शेयर कर सकता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लोग बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं बताता हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है फॉल्स, ठीक है। यानी कॉल की अवधि के दौरान अन्य उपयोगकर्ता उसी चैनल को FDMA में साझा नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, FDMA चैनल एक बार में कितने फ़ोन सर्किट की वहन कर करता है, ठीक है। FDMA चैनल एक बार में कितने फ़ोन सर्किट को वहन करता है। नंबर ए 10 है, 2 है, 1 है, सेवरल है, ठीक है। ये सेवरल मतलब कई, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बताता हूँ, तो इसका आंसर है आपका 1, ठीक है, C 1। तो दोस्तों यानी कि FDMA चैनल एक बार में एक फ़ोन सर्किट को वहन करता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि FDMA चैनल उपयोग में नहीं है तो इसे अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। यदि FDMA चैनल उपयोग में नहीं है तो इसे अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है, सही है या गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका B यानी कि फॉल्स, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यदि FDMA चैनल उपयोग में नहीं है तो उसे अन्य उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है FDMA चैनल की बैंडविड्थ है, ठीक है, वाइड, नैरो, लार्ज, जीरो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना है, ठीक है। तो दोस्तों FDMA चैनल की बैंडविड्थ जो होती है वो होती है आपकी नैरो, NARRO, ठीक है, नैरो, यानी FDMA चैनल की बैंडविड्थ नैरो होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है FDMA सिस्टम में प्रतीक समय होता है इस प्रकार सिंबल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। FDMA सिस्टम में प्रतीक समय होता है इस प्रकार सिंबल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लार्ज हाई, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्मॉल लो, थर्ड ऑप्शन है आपका स्मॉल हाई, फोर्थ ऑप्शन है आपका लार्ज लो, ठीक है दोस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6, लार्ज लो। यानी कि FDMA सिस्टम में प्रतीक सिस्टम लार्ज होता है इस प्रकार सिंबल इंटरफेरेंस लो होता है, ठीक है।
तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन स्कीम के कारण एफडीएम सिस्टम में ओवरहेड के लिए बिट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है कंटिन्यूअस फ्यू, डिसकंटिन्यूअस फ्यू, कंटिन्यूअस मैनी, उसके बाद में डी ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस मैनी। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी सही आंसर की, तो इसकी सही आंसर है ए कॉन्टिन्यूअस फ्यू, यानी कि क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन स्कीम के कारण एफडीएमए सिस्टम में ओवरहेड के लिए फ्यू बिट्स की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीएमए सिस्टम की तुलना में एफडीएमए सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भाई दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि यार ऑप्शनल क्वेश्चंस में बहुत से स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लेता है नहीं है, ठीक है, और वो लोग लगा देते हैं कि कौन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर से क्वेश्चंस देख लेते हैं। टीडीएमए सिस्टम की तुलना में एफडीएमए सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लो कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है लोअर सेल्स साइट सिस्टम कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका टाइट आरएफ फिल्टरिंग, और डी ऑप्शन है आपका नैरो बैंडविड्थ। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो वो है आपका लोअर सेल साइट सिस्टम कॉस्ट। ठीक है, यानी कि टीडीएमए सिस्टम की तुलना में एफडीएमए सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, लोअर सेल साइट सिस्टम कॉस्ट नहीं है। ठीक है दोस्त, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है अपना अवांछित आरएफ विकिरण है। ठीक है, इनमें से अवांछित आरएफ विकिरण कौन है तो ये हमको देखना है। फर्स्ट है आपका इंटरमॉडुलेशन फ्रीक्वेंसी, सेकंड है आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, थर्ड है आपका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो इसकी सही आंसर है इंटरमॉडुलेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंटरमॉडुलेशन फ्रीक्वेंसी अवांछित आरएफ विकिरण है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन, इसमें एफडीएमए एफडीडी पर आधारित है। इसमें कौन सा एफडीएमए एफडीडी पर आधारित है। फर्स्ट है आपका जीएसएम, सेकंड है आपका डब्ल्यूसीडीएमए, थर्ड है आपका कॉर्डलेस टेलीफोन, एंड फोर्थ है आपका एएमपीएस। ठीक है दोस्त, तो इसकी जो अगर सही आंसर की बात करें तो है आपका फोर्थ एएमपीएस। एएमपीएस एफडीएमए एफडीडी पर आधारित है। ठीक है दोस्त, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि यूएस एमपीएस में विभिन्न ऑपरेटरों को 10 किलो हर्ट्ज गार्ड बैंड के साथ 416 चैनल आवंटित किए जाते हैं और उनके बीच चैनल 30 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, और प्रत्येक ऑपरेटर को कितना स्पेक्ट्रम आवंटन दिया जाता है, यानी कि यूएस एमपीएस में विभिन्न ऑपरेटरों को 10 किलो हर्ट्ज गार्ड बैंड के साथ 416 चैनल को आवंटित किए जाते हैं और उनके बीच चैनल जो है 30 किलो हर्ट्ज के, तो प्रत्येक ऑपरेटर को कितना स्पेक्ट्रम आवंटन दिया जाता है। ऑप्शन है आपका 12.5 किलो हर्ट्ज, उसके बाद में 30 किलो हर्ट्ज, उसके बाद में 12.5 मेगा हर्ट्ज, डी है आपका 30 मेगा हर्ट्ज। तो दोस्तों अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो 12.5 मेगा हर्ट्ज है इसकी, आपकी सही आंसर सी है। ठीक है दोस्त, तो ये थी आज की जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एफडीएमए टॉपिक से थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यूज है अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज टॉपिक्स की वीडियोज़ को पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक, और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय।